इस वीडियो में हम बात करेंगे साल का पहला चंद्र ग्रहण और उसका सूतक कब लगेगा और क्या ये भारत में नजर आएगा। 5 मई को लगने जा रहा उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा, मतलब चंद्रमा पर धरती की छाया सिर्फ एक तरफ से रहने का कारण यह हर जगह दिखाई नहीं देगा। भारत में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जल्द ही इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन लगेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन पुराणों में मान्यता है कि पूर्णिमा की रात जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने का प्रयास करते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। 5 मई को लगने जा रहा उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा, मतलब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरफ रहने के कारण ये ग्रहण हर जगह दिखाई नहीं देगा। भारत में भी ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर पर रहेगा। रात में 8:46 से चंद्र ग्रहण आरंभ होगा और 1 बजे तक रहेगा। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण सूतक काल मान्य नहीं होगा। ग्रहण काल से कुछ घंटों पहले सूतक काल लग जाता है। हिंदू धर्म में सूतक काल को विशेष महत्व दिया गया है। सूतक काल में पूजा पाठ और शुभ व मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है, क्योंकि 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण वास्तव में एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। हर चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे चंद्र मालिन्य कहा जाता है। अक्सर धरती चंद्रमा की उपछाया में प्रवेश कर वहीं से बाहर निकल जाता है और उसका स्वरूप धुंधला सा दिखाई देने लगता है। इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक महत्व नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। जानकार बताते हैं कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया मात्र एक ओर से होती है तो उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।